बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत होंगे। हमारे इलाके में फिर दोबारा से ज़ालाबारी हुई है और इतनी शदीद हुई है कि मैं क्या बताऊँ आपको। इतनी ठंड है कि मैंने अभी स्वेटर वगैरह नहीं पहना हुआ तो मुझे सख्त सर्दी लग रही है। आप देख सकते हैं बैक साइड पर हर तरफ यहाँ सफ़ेद ज़मीन हुई पड़ी है। इतनी ज़ालाबारी हुई है कि मैं क्या बताऊँ आपको। अल्लाह ताला का इतना सख्त अज़ाब आया पड़ा हम पे, अल्लाह ताला में माफ़ फरमाए। और कोशिश करें प्लीज़ प्लीज़, मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि नमाज़ पढ़ें, तलावत किया करें। अल्लाह ताला का हम पे सख्त अज़ाब है, एक वायरस की सूरत में, और दूसरा ये देख सकते हैं आप अल्लाह हमसे सख्त नाराज़ है। प्लीज़ प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तौबा तैब हों और अल्लाह से माफ़ी मांगे, क्योंकि कभी तक हमारे इलाके में ऐसी ज़ालाबारी आज तक नहीं हुई। फर्स्ट टाइम, पहले एक मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की और ये दूसरी टाइम है दोबारा से ज़ालाबारी हुई है, और इतनी सख्त और शदीद ज़ालाबारी हुई है कि मैं क्या बताऊँ आपको। आप देख सकते हैं हर तरफ सफ़ेद ज़मीन हुई पड़ी है। प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें और नमाज़ पढ़ा करें और तलावत करें ताकि अल्लाह राज़ी हो और हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें ताकि ये जो अज़ाब हम पे आई हुई हैं वो कम हो। प्लीज़ ठीक है, मैं भी आपको उसका व्यू दिखाता हूँ। काफ़ी सारा ज़ालाबारी हुई है और ये काफ़ी सारा इलाका है जहाँ पे ज़ालाबारी हुई है और इतनी शदीद हुई है कि मैं क्या बताऊँ। हर तरफ ज़मीन सफ़ेद हुई पड़ी है, आप देख सकते हैं। ये गंदम की फसल लगी हुई है, गंदम की फसल, और ये बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है, सिट्टे इसके टूट चुके हैं। और हर तरफ आप देख सकते हैं बिल्कुल इतनी शदीद ज़ालाबारी हुई है कि मैं क्या बताऊं आपको। और लोगों का रश लगा पड़ा है और वो सामने मेरे दोस्त खड़े हुए हैं, मैं भी आपको उठा के भी दिखाता हूं। ये आप देख सकते हैं ये कितने कितने इंच नीचे ज़मीन में पड़ी हुई है ये, और काफ़ी ठंड है यहाँ पे। प्लीज़ काफ़ी रश है यहाँ पे, क्योंकि जब लोगों को पता चला है तो लोगों का आमदोरफ्त यहाँ शुरू हो गया। पहले तो वायरस की वजह से कर्फ्यू था और यहाँ कोई बंदा भी यहाँ आ जा नहीं रहा था, लेकिन अभी जब से ये बारिश शुरू हुई है, बारिश पहले शुरू हुई और फिर बाद में भी ज़ालाबारी इतनी हुई है कि मैं क्या बताऊँ आपको। ये आप देख सकते हैं अल्लाह ताला का अज़ाब है हम पे। और प्लीज़ मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये आप देख सकते हैं ये है रोड की कंडीशन। इतने बुरे हालात हैं कि हम पे अल्लाह ताला का सख्त अज़ाब आया हुआ है। हाफिज़ साहब जी, जी आपके इसके बारे में क्या तासरात हैं कोई? इसके बारे में यही कहूँगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। जो हमारे मुल्क के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर हालात हैं ये हमारे आमाल की वजह से हैं, लिहाजा हमें ज़्यादा से ज़्यादा नमाज इन चीज़ों का एहतमाम करना चाहिए। ये अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर आजमाइश है और हम इस काबिल नहीं हैं कि हम इसके अंदर सुरखरू हो सकें सिवाय अल्लाह की तरफ रुजू करने से। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए, नमाज का इन चीज़ों का एहतमाम किया जाए। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़मीनें सफ़ेद हो चुकी हैं और ये सारी हर तरफ बर्फ़बारी और ये पानी यहाँ से निकल रहा है। मैं अगर आपको करीब से दिखा सकूं ये, और ये सारा रोड बिल्कुल अभी
बर्फ़ की वजह से। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन आता है उसे प्रेस करें ताकि मेरी इस तरह की लेटेस्ट आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें, मेरे लिए भी दुआ की करें। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छी रेसिपी।